वो कहते हैं एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर जो लोग एक तरह का इल्म हासिल नहीं कर सकते, उनसे वो चीजें पढ़वाना या उनको वो पढ़ाने की कोशिश करना गलत है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। प्लेटो के सिस्टम में ये तय करना कि इंसान का इमोशनल लेवल डोमिनेट कर रहा है, इंस्टिंक्चुअल लेवल डोमिनेट कर रहा है या रैशनल लेवल डोमिनेट कर रहा है, उसके लिए प्लेटो ने अपनी एक एजुकेशन थियरी जनरेट की। और उसकी जो एजुकेशन थियरी है उसमें वो पहला जो उसका असम्पशन है वो ये कि इंसान की जो नेचुरल स्किल्स होती हैं और नेचुरल कैपेसिटीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि वो किस किस्म की उसका ब्रॉटअप क्या है। तो उसका जो ब्रॉटअप है उसके लिए प्लेटो ही कहता है कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोग तमाम इंसान इक्वली पार्टिसिपेट करें, तमाम इंसान इक्वली पार्टिसिपेट करें, और जो फर्स्ट लेवल के ऊपर फेल हो जाए वो बनेंगे स्लेव्स। स्लेव का लफ्ज तो वो इस्तेमाल नहीं करता, सर्व्स का, खिदमतगार। जो दूसरे लेवल पर फेल होंगे इसका मतलब है कि वो इमोशंस को ओवरकम नहीं कर पाते, वो बनेंगे वॉरियर्स। और जो तीसरे लेवल पर जाएंगे दे विल बिकम फिलोसोफर्स। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स ये कंप्लीट होगी इसकी एजुकेशन। 40 ईयर्स के बाद भी आप उसको फिलोसोफर को किंग नहीं बनाएंगे, उसके बाद 10 साल के लिए आप इस फिलोसोफर को आम इंसानों के बीच में इंटरैक्ट करने का मौका देंगे, क्योंकि प्लेटो के ख्याल में 40 साल का आदमी इमेच्योर होता है, बच्चा होता है। तो आप लोग सोच रहे हो, जो यंग लोग बैठे हैं, प्लेटो क्या सोच रहा होगा? आप 40 ईयर्स की एज में वो होता है मेच्योर, उसके बाद उसे ही इज इक्विप्ड बाय द लीथल वेपन ऑफ लॉजिक एंड फिलोसफी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप फिलोसफी जान लेने के बाद आपके अंदर अगर एरोगेंस आ जाए, आप हर एक को जाहिल समझना शुरू कर दें, आप लोगों साथ इंटरैक्ट करने के काबिल ना रहे, तो प्लेटो कहता है फिर इसका मतलब यह है कि वो फिलोसोफर तो है लेकिन वो किंग बनने के काबिल नहीं है। तो 10 साल तक वो सरवाइव करेगा एक आम इंसान की तरह लोगों के दरमियान, फॉर 10 ईयर्स। उसमें हर आदमी ये नहीं कर पाएगा, जैसे एरोगेंस ऑफ नॉलेज जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है, आपको आपके दरमियान बैरियर खड़े कर देती है। अगर वो 10 साल तक सरवाइव कर जाए देन ही विल बिकम फिलोसोफर किंग। तो फिलोसोफर किंग, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो आदमी होगा जो नॉलेज रखता है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, नॉलेज ऑफ आइडियाज जिसके पास होंगे ही विल बिकम द फिलोसोफर किंग। वॉरियर्स के पास नॉलेज ऑफ आइडियाज नहीं होगी क्योंकि वो इमोशनल लेवल पर ही ऑपरेट करेंगे। जंग लड़ने के लिए आपको जज्बात की जरूरत होगी, लेकिन रूल करने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए। तो रेशनैलिटी जो है वो आपको फिलोसोफर किंग बनाएगी, लेकिन सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी में बराबर नहीं होंगे भाई लोग। जस्ट सोसाइटी में बराबर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कैपेसिटी का होना और कैपेसिटी का इजहार होना दो अलग चीज है। इंसान इंट्रिंसिकली तो रैशनल है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पेट से सोचते हैं, वो इंस्टिंक्ट्स के लेवल पर ही खुश रहते हैं। हंगर, थर्स्ट, सेक्स, एग्रेशन, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, दैट्स इट। इससे ऊपर का प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो प्लेटो कहेगा कि ऐसे लोग जो है ना भाई, वो बनेंगे सर्व, वो सर्व करेंगे बस। कुछ लोग जो होते हैं, जो करेज होती है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, सैक्रिफाइस होती है उनके अंदर, सिंपथी होती है, एम्पथी होती है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड एनालिटिकल डिस्कोर्स में जाने काबिल नहीं होते। वो कहता है ये वॉरियर्स बनेंगे, लड़ेंगे। आपने देखा है ना बहुत सारे सोल्जर्स जो इन्फेंट्री के होते हैं, फ्रंट मैन जो असल में जंग लड़ते हैं, वो ज्यादा पढ़ने लिखने नहीं देते उनको। क्यों नहीं पढ़ने लिखने देते? तालीम, आप कहते हो तालीम सबका हक है, उनको तालीम क्यों नहीं दे रहे? उनको तालीम हासिल करने से क्यों रोक देते हैं? क्योंकि वो एक्सिक्यूट नहीं कर पाएंगे उस रैशनल प्लान को जो एक सुपीरियर इंडिविजुअल ने डिजाइन किया है, और उसके लिए, उसको एक्सिक्यूट करने के लिए उसमें इमोशंस की जरूरत है, जो इमोशंस मैदानों को पलट देगा। तो प्लेटो के ख्याल में इमोशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है एक रैशनल स्ट्रक्चर, दे विल रिमेन एज वॉरियर्स। तो इसका मतलब ये हो कि प्लेटो के माशरे में इसका मतलब है क्लासेस बन गई, तीन क्लास बन गई, सर्व्स, वॉरियर्स एंड फिलोसोफर्स। तो लोग वो कहेंगे कि अच्छा फिर तो वो तो बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी है। तो वो कहता है नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दे आर फिलोसोफर बिकॉज दे बॉर्न विद गोल्ड सोल, दे बॉर्न विद सिल्वर सोल एंड दे बॉर्न विद ब्रॉन्ज सोल। उनके बस से बाहर है कि वो आइडियाज को अंडरस्टैंड करें। तो जस्टिस का क्या मतलब है? ईच अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस। एंड वॉट इज द स्टेटस? कि वो अपने लेवल ऑफ सेल्फ के मुताबिक एक्सप्रेस करे। लेकिन जो इनकी औलाद होगी, जैसे सर्व की औलाद है या वॉरियर है या फिलोसोफर है, ये एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, और ये मुमकिन है कि एक स्लेव का बच्चा फिलोसोफर बन जाए, एक वॉरियर का बच्चा फिलोसोफर बन जाए, एक फिलोसोफर का बच्चा स्लेव बन जाए। तो इंसानों के दरमियान जो डिवीजन होगी उसको डिटेक्ट स्टेट नहीं करेगी, उसकी एजुकेशन कैपेसिटी करेगी, उसका उसकी उसकी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज करेगी। तो प्लेटो के सिस्टम में बहुत सारे लोग जो प्लेटो पे इतराज करते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन का कायल है, क्लास बेस्ड सोसाइटीज जनरेट करता है, तो वो उसके एजुकेशन सिस्टम को अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर आप ये चार्ज लगा सकते हैं। वो कहते हैं एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर जो लोग एक तरह का इल्म हासिल नहीं कर सकते, उनसे वो चीज़ें पढ़वाना या उनको वो पढ़ाने की कोशिश करना गलत है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। है तो वो इंसान, लेकिन वो जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल्स होते हैं, हर मसल डेवलप नहीं होता क्योंकि आपने उस मसल पे ज्यादा जोर नहीं डाला, लेकिन इससे ये इम्प्लाई भी नहीं होता कि हर मसल आपका डेवलप हो ही जाएगा। बाज औकात ज्यादा प्रेशर डालने वो मसल फट जाता है। तो इसी तरीके से ह्यूमन माइंड के अंदर भी एक कैपेसिटी नहीं होती बाज के अंदर कि वो अपनी इस थॉट को डेवलप, इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्लेटो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं समझता कि लोग जो हैं अपनी इन कैपेसिटीज को इस्तेमाल करके सोसाइटी में कौन सा स्टेटस हासिल करेंगे। सोसाइटी में जो उनका स्टेटस होगा प्लेटो के फ्रेमवर्क में, वो उनका एजुकेशन सिस्टम डिटरमिन करेगा। ठीक है?